हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और कल के पेपर के लिए क्या करना है उसके पहले मैं आज के पेपर की बात कर लेता हूं। आज का जो पेपर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो मेरे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंटों ने बोला कि सर दो तीन टाइप के सम्स जो थे वो हमको नहीं पाए है। कौन से नहीं पाए है? जो मैच द फॉलोइंग्स वाले थे वो सम हमको नहीं पाए है कि पहला दूसरा फिर नीचे एबीसीडी लिखा था। देखो बाई जब पेपर हाथ में आता है तो एबीसीडी और उसके हिसाब से उसको मैच करना है, तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 ये बड़ा इजीली हो जाता है, आप एरो कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको ये बोलने वाला हूं, कल भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये लिख लो। हो सकता है वो 2 हो सकता है वो 4 हो, ये मुझे पता नहीं है, पर इतना क्वेश्चन आएगा। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बी प्रिपेयर्ड विद अ बुक एंड अ पेन। जैसे ही क्वेश्चन आए, हमारे पास 15 एमसीक्यू है, तो आप अगर 2 मिनट भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसा आएगा कि भाई एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीफ, ये एटीट्यूड है, ये वैल्यू है, ये बिलीफ है, 1 का A, 1 का B, 1 का C। अब वो ही पता नहीं होता, हमको तो सारा सेम लगता है। तो अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन के टाइम, अगर ऐसे टाइम पे आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हुए हो, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इजीली हो जाएगा। तो एक ये बात हो गई। दूसरा, कल के क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के केस पेपर में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पेपर में केस स्टडी आएगा। केस स्टडी ऐसा आ जाएगा कि प्रणव सर को इंफोसिस ज्वाइन करनी है, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि भाई उसका रीजन है कि इंफोसिस ज्यादा पैसा देता है, इंफोसिस में उसके कलीग्स है। तो इन सब में से कॉग्निटिव बिहेवियर कौन सा होता है, फर्स्ट एड, सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू, ऐसे करके भी एग्जाम दे सकते हैं। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई प्रणव सर को बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने बच्चों को एनजीओ में ज्वाइन किया हुआ है। ये क्या है? ये एटीट्यूड है, नॉर्मेटिव है, कम्युनिटिव है, कंटिन्यूएंस है, मतलब पता नहीं उसमें से। या हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो बकायदा पहला केस स्टडी लिखे, मतलब प्रणव सर को बच्चे बहुत पसंद है इसलिए ये कर रहे, प्रणव सर ये कंपनी में है, प्रणव सर टाटा मोटर्स में है, बिकॉज उनको ऐसा लगा है कि टाटा मोटर्स में रहेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, सेकंड, फिर थर्ड का कुछ और लिखेंगे, फोर्थ का कुछ और लिखेंगे, और उसके बाद बोलेंगे फर्स्ट का एटीट्यूड, सेकंड का कॉग्निटिव, थर्ड का एक्सपेक्टेशन, फोर्थ का वैल्यू, सेकंड में 1, 2, 3, 4 का जागरण करेंगे, और इतना बड़ा सम होगा तो स्टूडेंट पढ़ते ही डर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कल के पेपर के लिए आ सकते हैं, तो कल के पेपर के लिए थोड़ी सी ऐसी तैयारी भी कर लेना। एसओबीसी मॉडल के अंदर एसओ या तो एसओबीसी, तो वो क्या होगा, उसका जार्गन आएगा, बी वाले को आगे ले गए, ए वाले को ऐसे ले गए, कैसे भी वो लोग थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज की तैयारी आपको बड़े प्रॉपर पे से करनी है। सोशियोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, उसको मैच करना। तो आई थिंक कल के पेपर के लिए आपके पास पूरा एक दिन है, ऐसा थोड़ा सा भी आप लोगों ने लिख लिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, तो आप लोगों के मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और लाइव क्लासेस तो है दोस्तों। ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो धड़ल्ले से इसको लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है शेयर करना, करना नहीं करना लोगों का भला होगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।